ये वो सर्वेक्षण की रपट है जो हमने अभी कोई डेढ़ महीना पहले हमने 21 नवंबर को एक रिपोर्ट रिलीज की 25 नवंबर ये वो रपट है। इसके बारे में हमने प्रेस रिलीज दिया था बाद में, चूंकि काफी गलतफहमियां हो गई थी इसलिए कॉपी हम उस प्रेस रिलीज की पुनः बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश जी को जो हमने चिट्ठी लिखी ये अक्टूबर के महीने में लिखी थी उसकी प्रति भी हम रख रहे हैं। और ये जो चूंकि यहाँ पे उस हमारी सर्वेक्षण की रिपोर्ट को लेके काफी गलतफहमियां और कुछ बिना बात की बहस चली थी उसके बारे में हमने स्पष्टीकरण देते हुए दो बयान दिए थे। ये 27 नवंबर को हमने स्पष्टीकरण दिया था, उस सब की प्रतियां भी यहाँ पे लगा रहे हैं, सब आपके पास जी। आपने इस रपट में योगेंद्र जी आपने इस रपट में लिखा है कि यहाँ पर घास की रोटी लोग खाने लिखा है आपने आपने इसमें कहा है कि लोग यहाँ पर घास की रोटी खाने को मजबूर है, कहाँ कहाँ खा रहे थोड़ा ये बता दीजिए। इसीलिए मैंने ये रपट लगा दी थी क्योंकि मेरी पत्रकार साथियों से कम आशा रहती है कि जब कोई चीज हम लिखित में दें तो उस लिखित चीज को पढ़ते हैं। मैं आपको रपट दे रहा हूँ, तो बयान में भी बोल दीजिए कहाँ कहाँ खाने को मजबूर है, आप इसको पढ़ लें और मेरे पास एक और कॉपी है तो मैं बता एक पर बताया था क्योंकि इस पर बहुत बहस हुई। और यही इस देश की दुविधा और पीड़ा और विडंबना है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हमारी आंख के सामने है और बहस इस पे होती है और जैसा सूखे जैसी स्थिति जब बनती है उसके 50 इंडिकेटर होते हैं। अब हम या तो इस पे बहस कर सकते हैं कि सूखे में क्या करें या हम बहस कर सकते हैं कि इंडिकेटर नंबर 47 सही है कि नहीं। मैं समझ रहा हूँ कुछ वैसी बहस हो रही थी कि इंडिकेटर नंबर 47 सही है नहीं है, वो क्या था वो मैं बता देता हूँ, मैं प्रश्न बिल्कुल नहीं बचूंगा। लेकिन अंत में मैं ये कहूंगा अगर कोई बिल्कुल इसको नहीं मानता तो आप इंडिकेटर नंबर 46 देख लीजिए और 48 देख लीजिए, निष्कर्ष वही निकलेगा। हमने जो कहा था वो ये था, हमने अपने सर्वेक्षण और ये सर्वेक्षण पूरे बुंदेलखंड में हुआ था, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की 27 तहसील थे, प्रत्येक तहसील के 4 गांव में हुआ था। गलतफहमी की गुंजाइश न रहे इसलिए हमने उन 108 गांव की लिस्ट जारी कर दी थी सार्वजनिक रूप से कि आप चेक कर लीजिए वहां पे हुआ कि नहीं हुआ। हमने उस सर्वेक्षण में तमाम तरह के प्रश्न पूछे थे, कुछ प्रश्न थे कि पिछले 30 दिन में आपने क्या क्या किया, कुछ प्रश्न थे कि पिछले 8 महीने में, तब 8 महीने का होली से लेके अब तक आपने सूखे की वजह से क्या क्या करने को मजबूर हो। उसमें तमाम सवाल थे कि क्या गहना गिरवी रखना पड़ा, जमीन रहन रखनी पड़ी, आपको क्या जानवर बेचने पड़े, क्या ऐसा दिन हुआ जबकि शाम को क्या खाने को मिलेगा वो पता नहीं था, कभी भूखे पेट सोना पड़ा। उसमें एक प्रश्न ये था कि क्या आपको पिछले 8 महीने में कभी एक बार भी फिकार खाने पर मजबूर होना पड़ा, उसमें 17% लोगों ने कहा था हाँ, जिसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने गेहूं और चावल छोड़ के केवल फिकार खाना शुरू कर दिया। हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहले मेंशन किया था, जैसे ही बहस आई एकदम हमने जो मैं आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूँ ये स्पष्टीकरण दे दिया। उसके बाद भी मसालेदार हेडलाइन चलते रहे, आप जानते हैं आप मीडिया को मुझसे बेहतर समझते हैं कि कैसे चीजें चलती हैं। हमने जिस चीज को अपनी ओर से हाईलाइट किया वो ये बात थी जिसको पिछले 4 दिन में न जाने कितनी महिलाओं से बात करके हमारे साथियों ने कन्फर्म किया है कि लोग दाल नहीं खा रहे, मेरे लिए वो कहीं बड़ी खबर है कि 39% लोग सर्वे में कह रहे थे दाल नहीं खा रहे हैं और आज उससे भी ज्यादा औरतें कह रही हैं बाबूजी दाल का नाम क्या ले रहे हैं, दाल तो नसीब है, दाल कौन सी, अरहर की दाल ही खाना, कोई भी दाल, पूछा औरतों ने कौन सी, हमने कहा जो भी दाल, यहाँ पे उड़दा पे यहाँ का वो उड़दा मूंग यहाँ का है उड़दा मूंग अरहर किसी भी तरह क्योंकि बेसिक हमें मतलब प्रोटीन से है, हमें उसके नाम से मतलब नहीं, और दाल पे एम्फेसिस इसलिए था कि प्रोटीन इनटेक हो रहा है कि नहीं, अरहर की दाल नहीं हो सकती लेकिन और दालें तो बुंदेलखंड में अवेलेबल है। सर वहां की जो महिला जो खुद रसोई बनाती है वो कहती है कि उसके पास नहीं, हमने महिलाओं से पूछा अलग से पूछा और ये मैं विश्वास से कहता हूँ आप सबको अनुरोध करता हूँ सब जाके चेक कराएं। महिलाएं कह रही हैं कोई थोड़ा सा बेहतर घर होता है तो कहती हैं हफ्ते में 2-1 बार बन जाती है, जो थोड़ा सा गरीब होता है कहता है 15-20 दिन में महीने में एक बार बन जाती है। और एक महिला ने मुझे कहा कि बाबूजी सावन के महीने में 1 पाव दाल खरीदी, इस बार उन्हें बोल लेनी पड़ रही है उनके पास स्वाभाविक रूप से नहीं आ रही है क्योंकि फसल फेल हो गई, जो स्वाभाविक रूप से उनके पास आती थी
जो फसल कटाई करके गरीब इंसान को एक छोटा सा हिस्सा मिल जाता था वो इस बार नहीं मिला। तो ये दाल का संकट बहुत बड़ा है, पौष्टिक खाने का संकट। तो दाल की वजह क्या महंगाई मानते हैं? महंगाई बहुत ज्यादा महंगाई है। दोनों चीजें हुई है सर, एक तो कि ये तो दाल उगाने वाला है तो यहाँ एक तो फसल फेल हो गई, तो जो स्वाभाविक रूप से बिना पैसा दिए लोगों को मिलनी थी वो नहीं पहुंची उनके घर, और दूसरा दाम इतने बढ़ गए तो ये तो दोहरी मार पड़ी है ना इस बार उसकी वजह से। और दाल का मैं बार बार जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक शाकाहारी के लिए प्रोटीन का लगभग एकमात्र सोर्स ये है, और इसलिए हम अपनी सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन में हमने सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध किया है कि सभी इन 12 राज्यों को निर्देश दिया जाए कि राशन में चावल गेहूं के अलावा 2 किलो दाल देना अनिवार्य बना। ये बहुत बड़ा संकट है। आज सिर्फ हमें दाल शब्द सुनाई देता है, पौष्टिकता थोड़ा दूर की चीज नजर आती है, लेकिन आज से 2 साल बाद इसका मतलब बीमारियां होंगी, इसका मतलब असाध्य रोग होंगे, ये सब चीजें होंगी। केंद्र सरकार तो रेस्पोंडेंट नंबर 1 है हमारी पिटीशन। केंद्र सरकार का एक मैनुअल है, मैनुअल फॉर ड्राउट मैनेजमेंट, जो एक केंद्र सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का। हम केंद्र सरकार से कह रहे हैं हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप बस इसको लागू कर दीजिए, आप अपने ही ड्राउट मैनुअल को लागू कर दीजिए। सर जिसने बुलाया उससे जबरदस्ती जाने की आदत नहीं है। जिस दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से या किसी से बुलावा आ जाएगा खुशी खुशी जाएंगे हर एक को। सर सर्वेक्षण रिपोर्ट में नहीं, मैं नहीं कहूंगा मेरी चिट्ठी का कोई जवाब ना दे इसका मतलब वो अगम्भीर है, तो बहुत बुरी गलत निष्कर्ष होगा। कुछ चीजें हो रही हैं, जैसे मैंने बताया मध्य प्रदेश में एक चीज हुई है जो उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है, यानी कि मध्य प्रदेश मेरे विचार से देश का पहला राज्य है जहां सूखे का मुआवजा बैंकों में जाना शुरू हो चुका है। बहुत कम लोगों को हुआ है लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हो गई। इस लिहाज से मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, लेकिन उसी मध्य प्रदेश ने मनरेगा पे 0 काम किया है। जितनी भारी जरूरत है जहां इस वक्त उसकी कुछ नहीं हो रहा मध्य प्रदेश मनरेगा पीडीएस के मामले में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से आगे है, क्योंकि उसने एनएफएसए को ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है उसे लागू कर दिया, लेकिन जमीन पे वो पहुंच नहीं रहा। तो जमीन पे बहुत अंतर नहीं है दोनों में, हालांकि कानून के मामले में मध्य प्रदेश आगे है। मध्य उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के लिए जो 2-4 विशेष घोषणाएं की हैं वैसी चीजें उन्होंने नहीं की हैं। वो सब घोषणाएं अभी मध्य प्रदेश में होनी बाकी है, यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड की विशिष्ट परिस्थिति को स्वीकार नहीं किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने कब स्वीकार कर लिया। तो ये कहीं ऐसा भी मिला जो नरेगा में काम नहीं कर सकते हैं, जो सवर्ण लोग हैं उनके लिए क्या कोई व्यवस्था का सवाल आया करें? क्योंकि यहाँ बुंदेलखंड में बहुत स्वाभिमानी लोग तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने गांव में तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो पलायन कर दी उनके बारे में। अच्छा है कि आपने बताया, क्योंकि पलायन का मैं जिक्र नहीं कर पाया था। पलायन की गति लगभग दुगनी हो गई हर गांव में। हमने पूछा पिछले साल कितने लोग गए थे, इस साल कितने गए, लोग मोटा मोटा बताते हैं, आजकल तो गांव में परसेंटेज बोलते हैं लोग। तो लगभग पिछले साल जो पलायन था उससे दुगना पलायन इस बार हो रहा है, और दो गड़बड़ और हो रही है उसमें। एक ये कि इतना भारी पलायन देख के ठेकेदारों ने ऐसा शोषण शुरू कर दिया है मजदूरों का, उनको इतना कम पैसा दे रहे हैं, वहां से तो जो भी ले रहे हैं वो ले रहे हैं, शोषण कर रहे हैं ठेक मजदूरों को। अभी कहते हैं सिर्फ खाने का देते हैं, कहते हैं बाद में तुम्हें पैसा देंगे, बाद में पैसा नहीं दे रहे हैं। और इंदौर बगरा में कुछ जगह से ये भी रिपोर्ट आई है कि अब वहां लेबर सरप्लस हो गया है और वहां अब और मांग नहीं है, तो कुछ लोग वापस आ रहे हैं वहां से कि काम अब नहीं मिल रहा। तो इस तरह की चीज हो रही है। वैसे तकनीकी रूप से नरेगा जैसा आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति के गांव में उपलब्ध है, गांव का जमींदार भी चाहे तो जॉब कार्ड बनवा सकता है, उसमें कोई तकनीकी समस्या नहीं है, तो वो बीपीएल या किसी से लिंक नहीं है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि रोजगार के अवसर बहुत तेजी से समाप्त हो रहे हैं, और गांव में जो अपने आप को मध्यम वर्ग कहता है वो गरीब है लेकिन अपने आप को गांव का मध्यम वर्ग समझता है, उसके लिए बड़ा संकट है। उसकी इज्जत जो है, इज्जत उसको अनुमति नहीं देती वो चीजें करने की जो बाकी लोग कहें, वो सामने आके बोल भी नहीं सकता कि मेरे घर में क्या स्थिति है,
और उसके पास कुछ नहीं। और इसलिए अगर पशु को बचाने की कोई कोशिश होती है, या पशु उसकी अंतिम संपत्ति, पशु को अगर बचाया जाता है तो वो व्यक्ति इज्जत से अपने घर में रह सकता है। फसल तो कुछ नहीं आई, लेकिन दो भैंस पालतू रख के वो अपना घर चला सकता है। वो इसलिए बार बार हम कह रहे हैं पशु का जो संकट है बहुत बड़ा संकट है, उसको मदद करना इस वक्त बहुत बड़ा काम है। जिस तरह की समस्याएं देखते हैं या आप लोग और जो भी कारण मानते हैं आप लोग का अध्ययन गहरा है, तो क्या कुछ वैसे संकट यहाँ मिले जब वो अभी मैं उस दिक्कत ये कि ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर देने में एक हेडलाइन निकलने का डर रहता है, और इसलिए मैं इससे बचना चाहूंगा। अगर आप बैठे तो मैं व्यवस्थित तुलना इसकी कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त स्थिति ऐसी है, मैं बार बार अपने साथियों से कहता हूँ कि स्थिति इतनी अपने आप में स्थिति इतनी विकट है कि उस सच अपने आप में इतना तीखा है कि उसके अंदर और कुछ नमक मिर्च लगाने की जरूरत है, बस सच अपने आप में रखते हैं। सर सर्वेक्षण रिपोर्ट में किसानों की मौत का कहीं पे किसानों की मौत का कहीं जिक्र नहीं किया गया सर, सर्वेक्षण किसानों की मौत का। प्रदेश सरकार ही मानने को नहीं तैयार है कि इतनी भयावह स्थिति होने के बावजूद किसानों की मौत हुई, और आपने जब सर्वेक्षण कराया उसके उसमें कम से कम किसानों की मौत का तो जिक्र करते सर, वस्तु स्थिति क्या है? हमारे पास हमने जिक्र किया था सर्वेक्षण में, हमारे पास 108 गाँव का हमने सर्वेक्षण किया था, उसमें से 41 गाँव में लोगों ने रिपोर्ट किया कि पिछले 8 महीनों में गांव में भूख से मौत हुई, लेकिन हम उसकी स्वतंत्र पुष्टि करने की स्थिति में नहीं थे। और मौत एक ऐसा सवाल है जिसमें और हमने वहीं पे लिख दिया था कि हमें स्वतंत्र पुष्टि इसकी नहीं थी, क्योंकि वो फिर एक एक और तरह की हेडलाइंस की तरफ चीजें ले जाती है। मैं यही कह रहा हूं, देखिए सूखे और अकाल के बीच में 7-8 सीढ़ियां होती, और एक एक सीढ़ी करके हम उतर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है हम सब लोगों के लिए, हम सब इस समाज के हिस्से हैं, आज आप एक रोल प्ले कर रहे हैं, मैं दूसरा रोल प्ले कर रहा हूं, हम सबके लिए जरूरी है कि हम हर पीढ़ी के बारे में स्पष्ट रूप, हर सीढ़ी के बारे में स्पष्ट कहें, और ये कहने से बचें कि अभी हम 8 सीढ़ी पे जंप कर गए। अभी भुखमरी से मौत की कई अपुष्ट बातें आई, लेकिन हम उसको पुष्ट करने की स्थिति में नहीं, इसलिए हम कह रहे थे। हमारे साथी मुझे कई पर्ची और ये चीजें पकड़ा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि पिछले दिनों में जब हम गए तो कैसे गौशालाओं में भूख से गाय मर रही है, ये इसकी चित्र दिखा रहे हैं आपको, इतना दूर से मैं आपको दिखाऊंगा शायद दिखेगा नहीं, लेकिन आप हमारे साथी इसका करके आए हैं। हमारे साथी बता रहे हैं बाला बहन गाँव तहसील ललितपुर जिला में बाला बहट में तहसील पाली में कल गांव वालों ने बताया कि अब तो पिकार उमर विमर उमर और सेमर सेमर भी नहीं मिल पा रहा है जिसकी वो रोटियां बना सकते थे, तरह तरह की रिपोर्ट आ रही है। और ऐसे में हमेशा एक इसकी संभावना रहती है कि कहीं किसी रिपोर्ट में अतिशयोक्ति आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस अतिशयोक्ति से बहुत बचे, अगले कई महीनों तक हम सबको एक साथ रहना है, संजय भाई को भी बार बार आपके सामने आना है, मैं हम सब लोग भी आपके सामने बार बार आएंगे क्योंकि हम इसकी निगरानी करना चाहते हैं, और जब संभव हो तो मामला जिस कदम सीढ़ी पे पहुंचा है उससे एक सीढ़ी कम की रिपोर्ट भी आपको अभी देंगे, क्योंकि ये बहुत गंभीर और संजीदा मामला है जिसकी हम रिपोर्ट कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज आपके सामने व्यवस्थित रूप से रखें। आप सबसे अनुरोध है कि ये बहुत बड़ी चीज हो रही है, हम सब इसकी संजीदगी को देखते इसको जनता के सामने ले जाए। ये आज का बता रहे हैं, ये आज की तस्वीर दिखा रहे हैं, मरी हुई गाय की तस्वीर बता रहे हैं, और ये सब गौशाला के अंदर गौशाला के अंदर